वेलकम बैक टू माय डिजिटल फैमिली। तो शुरू करते हैं अपना ब्लॉग और आज मैं दिखाने वाला हूं आप सबको कि ये जो केस दिखाने वाला हूं इनमें मैं काम बता देता हूं लाइन बाइज लाइन कि इनके पे एक्चुअली इनके दो दांत के निकालने का काम है, दूसरा दांत 12 दांत का मैंने इनका ब्रिज लगाने का मैंने सोचा है, ये मैंने डिजाइन किया है। तो ये सब चीजें मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, तो प्लीज आप इस वीडियो को देखिए और अगर आपके कोई क्वेश्चन होगा कि ऐसा क्यों किया क्या किया तो आप मेरे को कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो, डेफिनेटली मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको हम एक एक चीज आपको इस स्टेप दिखाते हैं क्यों किया कैसे किया। तो चलिए ये इसको निकालना है और इन दोनों दांत को इसको हम छोड़ देंगे, ये ठीक है, ये भी छोड़ देंगे इसको, देखिए हमें हाँ साइड कर देंगे ये बंद करिए। कितना गैप आ रहा है, देखो ये वाला है गैप है ना, बंद करिए। हाँ बढ़िया, ऐसे ही गैप चाहिए आप करो। बंद करिए, ठीक है, कंप्लीटली दिख रहा है, बंद करिए, ठीक है। बस हो गया, बंद करिए, बंद करिए, ठीक है, ठीक है ना, खुला करिए, पानी कैंसिल हो गया, जैसे दो मिनट कैंसिल हो जाए तो वही अच्छा है, फिर से होगा, फिर से हो जाएगा, हाँ जाएगा हो तो लास्ट तक अच्छे से होता है। मतलब ढीला करिए, एक्सीट करो, दूसरा
रोटेट वेरी गुड। अब इनका नाप ले लेते हैं। क्या है कि अभी दांत अपना बहुत लूज था, मतलब उतना ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हुई, इसलिए हम नाप भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर थोड़ा सा ब्लीडिंग ज़्यादा होती तो नाप उस तो नहीं ले सकते, तो फिर हमको 3-4 दिन बाद इनको ब्लड को लगाना होगा। बट अभी ब्लीडिंग कुछ हुई नहीं है, इसलिए हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे निकालिए वाले से बोल के उसको भर देंगे, एक्सट्रैक्शन तो हमने कर ही दिया, कोई दिक्कत नहीं है, नाम भी आ जाएंगे, घाव भी सूख जाएगा। ठीक है अंकल, आपको गरम और मसाले वाली चीज बिल्कुल नहीं खानी, जो भी खाना है ठंडा और पतला, दूध दलिया खिचड़ी, ठीक है आंटी जी? ठीक है, अभी इनको एक आइसक्रीम खिलानी चाहिए दूध वाली, ठीक है? 4 दिन की मैं गोली दूंगा, फिर वो गोली आपको खिलाना है, ठीक है? इतनी चीजें आपको करनी है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, अगर कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए अच्छे वीडियो के साथ, तो बाय।